ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से इस व्याख्यान माला के पहली कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान माला की पहली कड़ी का विषय है जनपद आंदोलन, और इस समय व्याख्यान विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में है श्रद्धेय प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी। प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी प्रतिष्ठित लोकवार्ताविद और लोकवार्ता के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञों के लिए उनका नाम बहुत जाना पहचाना नाम है। आपने लोकवार्ता से संबंधित बहुत से कार्य संपादित किए हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, और हाल ही में आपका स्वामी हरिदास जी के केलीमाल पर विशाल व्याख्या रूप ग्रंथ IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट प्रकाशित हुआ है। उससे पहले धरती और बीज नामक कार्य वेबसाइट पर मौजूद है, उसे सभी जी श्रोतागण देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हरियाणा की लोकवार्ता, ब्रज की लोकवार्ता, अवधि, बुंदेलखंडी, इन तमाम जनपदों की लोकवार्ताओं पर आदरणीय राजेंद्र रंजन जी ने बहुत गहरा कार्य किया है। जिस धारा को पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी जी, राहुल सांकृत्यायन जी और प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने शुरू किया था, उस धारा को आगे बढ़ाने का काम आप बहुत ही परिश्रम पूर्वक लगातार करते आ रहे हैं। मैं ब्रज संस्कृति शोध संस्थान और अक्षर वार्ता, जो इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय सहभागी हैं, दोनों की ओर से प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सचिव ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, से मैं आग्रह करूंगा कि वे 2 मिनट के लिए संस्थान की ओर से आदरणीय चतुर्वेदी जी का एक बार अभिनंदन करें। मैं परम श्रद्धेय डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का यहाँ ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। और इस समय हमारे जो भी साथी मित्र, अध्येतागण, विद्वान घन जो हमसे जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा बिहार वृंदावन के इस मंच पर हार्दिक उनका स्वागत करता हूँ। यह आयोजन ब्रज संस्कृति शोध संस्थान और अक्षर वार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका के माध्यम से यहाँ ऑनलाइन आयोजित है। डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी ब्रज की उस परंपरा की कड़ी हैं, जो परंपरा प्रारंभ हुई थी कभी डॉक्टर और महान पंडित आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल ने, जो ब्रज के अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया था, अखिल भारतीय ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना हुई थी, और उसमें बनारसीदास चतुर्वेदी जी एवं डॉक्टर सत्येंद्र जी ने जो ब्रज के लोक साहित्य का बड़ा काम किया, उस परंपरा के विद्वान हैं। और आज हम सब ब्रज के अध्येता, लोकवार्ता के अध्येता, जनपद आंदोलन के अध्येता डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी से, क्योंकि वह उस पूरे आंदोलन के प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं, वो युवा थे जब वो आंदोलन अपने चरम पे था, तो उन्होंने वो सारी चीजें देखी हैं, तो हमारे लिए वो एक दिव्य अनुभूति होगी आज जो है इनका व्याख्यान हम लोग सुन पाएंगे। हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल को तो नहीं देखा है, पर हमारे जीवन में ये बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी को देखा है, उन्हें सुना है। तो ऐसी दिव्य अनुभूति के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और हम लोग राजेंद्र रंजन जी की ओर चलेंगे। अमन जी आप संभालें, अमनदीप वशिष्ठ जी। आभार तिवारी जी। और मैं अक्षर वार्ता की ओर से, यदि डॉक्टर मोहन बैरागी जी यहां पर अभी अगर हमारे साथ जुड़ गए हों, उन्हें 1 मिनट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। क्या डॉक्टर मोहन बैरागी जी मुझे सुन पा रहे हैं? वे संभवतः अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। मैं आग्रह करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी से कि वो विधिवत अपना व्याख्यान आरंभ करें। आदरणीय चतुर्वेदी जी। मैं देख रही हूँ।
जी अब कनेक्टेड जी 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 अब हम देख पा रहे हैं सर को, अब हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप कोशिश यही करिएगा कि आज की इस विमर्श गोष्ठी में आप साथ रहिएगा जी, अपने सभी समान धर्मा सखाओं और मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय मेरे लिए इसलिए भी प्रिय है कि मैं अभी भी जनपद आंदोलन का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। जनपद आंदोलन आज भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न विधाओं में बहुत फैल चुका है और आज जनपद आंदोलन की उन बातों का स्मरण कराना इसलिए आवश्यक है कि जहां जहां इस प्रकार की दृष्टि से काम हो रहा है उस सारे काम को संगठित किया जा सके, समन्वित किया जा सके और इस प्रकार से उसके महत्व को रेखांकित किया जा सके। जनपद आंदोलन तो एक विचार था, विचार है और प्रत्येक विचार का जन्म परिवेश के गर्भ से होता है। जनपद आंदोलन का विचार जब जन्म ले रहा था उसका जो परिवेश था वो आजादी का आंदोलन था, स्वतंत्रता का आंदोलन था और यह स्वतंत्रता का आंदोलन केवल राजनीतिक आजादी प्राप्त करने के लिए ही नहीं था, यह लोकतंत्र का आंदोलन था, लोकतंत्र का आंदोलन बन चुका था। लोकतंत्र जहां राष्ट्रीय जीवन की समस्त गतिविधियों का केंद्र सामान्य जन बन जाए और जनपद आंदोलन सामान्य जन पर केंद्रित था, जैसा कि हम आगे चलकर के देखते हैं कि भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है उसका पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इस लोग शब्द को देखिएगा, हालांकि यह लोग शब्द लोक से ही उत्पन्न है, तो ये जो सामान्य जन है इसमें धनी निर्धन, ज्ञानी अज्ञानी, मूर्ख विद्वान, गांव नगर, नर नारी, किसी भी प्रकार का वर्ण, किसी प्रकार का वर्ग, किसी प्रकार का संप्रदाय, ये सारी उपाधियां समाप्त हो चुकी है वहां जहां लोक शब्द है, सामान्य विशेष का निषेध है, सामान्य जन है। अब क्योंकि यदि धन के कारण से कोई आदमी बड़ा है तो वहां धन बड़ा हो गया, आदमी बड़ा नहीं हुआ। यदि किसी पद की वजह से कोई आदमी बड़ा है तो वहां पद बड़ा हो गया, आदमी बड़ा नहीं हुआ। यदि धर्म की वजह से आदमी बड़ा है तो वहां धर्म बड़ा हो गया, आदमी बड़ा नहीं हुआ। तो इस किसी वर्ग का होने की वजह से या किसी वर्ण का होने की वजह से आदमी बड़ा है तो वहां वो वर्ण या वर्ग बड़ा हो गया, आदमी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब हम सामान्य की बात करते हैं तो वहां आदमी बड़ा है और बाकी जो उपाधियां हैं वर्ण वर्ग इत्यादि वो सब मनुष्य के लिए है। तो जनपद आंदोलन उस जन को प्रतिष्ठित करता है, विशेष का विशेष से ये एक ऐसी दृष्टि है जनपद आंदोलन
वास्तव में वह दृष्टि है, और यह दृष्टि उस समय के परिवेश में गूंज रही थी जिस परिवेश में इस विचार का जन्म हुआ। यह दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर है, विशेष से सामान्य की ओर, राजा से रंक की ओर, राजा से प्रजा की ओर। यह जो दृष्टि है जनपदी, जो दृष्टि है ये निराकार से साकार की ओर, यह जो दृष्टि है ये केंद्र से विकेंद्र की ओर। जनपदी आंदोलन की दृष्टि व्यक्ति और वर्ग से सर्वजन की ओर है, सामान्य जन की ओर है, समस्त जन की ओर है। यह दृष्टि नगर से जनपद की ओर है, यह दृष्टि परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर है, प्रत्यक्ष की प्रतिष्ठा करती है। यह दृष्टि भाषा से बोली की ओर है, जनपदी आंदोलन की दृष्टि सिद्धांत से व्यवहार की ओर है। जनपदी आंदोलन एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज से पगडंडियों की ओर है। जनपदी आंदोलन की दृष्टि सत्ता के केंद्र से सीमांत की ओर है, अंतिम व्यक्ति की ओर है, और यह दृष्टि राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर है। इस बात का स्मरण कराने के लिए आप सभी मित्रों को मुझे उत्साह हुआ, मुझे उमंग हुई कि सचमुच, क्योंकि ये जो काम करने वाले तो आप ही लोग उसे बढ़ाएंगे, और आज इस दृष्टि की मैं समझता हूं बहुत अधिक आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा हो, काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है, विभिन्न जनपदों में काम हो रहा है, उस काम को समेटने की आवश्यकता है। यहां अभी मैंने जनपद शब्द का प्रयोग किया, और जनपद आंदोलन भी जनपद शब्द पर ही केंद्रित है। तो देखिए, थोड़ा सा जहां यहां थोड़ा सा भ्रम इसलिए होता है कि जब प्रशासनिक शब्दावली बनी तो अंग्रेजी शब्दों के लिए जो हिंदी शब्द चुन लिए गए उनमें एक जनपद शब्द भी है जो अंग्रेजी के डिस्ट्रिक्ट शब्द के लिए प्रयोग किया जाता रहा है, किया जा रहा है। लेकिन हम जब जनपद शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जनपद, वो प्राचीन जनपद राज्य जिनका उल्लेख महाभारत में हम देखते हैं या महाजनपद युग में हम देखते हैं, जनपद की पहचान है एक बोली, क्योंकि एक बोली के साथ उसकी एक संस्कृति होती है, प्रत्येक बोली के साथ एक संस्कृति होती है। तो जैसे ब्रज है, जैसे बुंदेली है, जैसे हरियाणवी है, मेवाती है, अहिरवाटी है, मगही है, भोजपुरी है, तो ये जो जनपद हैं, इन जनपदों को जगाना, इनकी जनपदी भाषाओं के माध्यम से अंतिम जन तक संपर्क करना, इसका उद्घोष है साहित्य में जनता बसे और जनता में साहित्य बसे। आप हम सभी देखते हैं कि साहित्य जनता से कितनी दूर जा चुका है, कहां जनता के बीच साहित्य की चर्चा कहां होती है। अच्छा, क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यवधान है कि साहित्य और जनता के बीच दूरी बनी। क्यों बनी? जनपदी आंदोलन संकल्प करता है कि नहीं, साहित्य जनता के पास और जनता साहित्य के पास, इसके लिए उसने बोली को माध्यम चुना, बोली को माध्यम बनाया कि हाँ, हिंदी जब वे लोग बोलते हैं तो आपको हंसी आ जाती है, क्योंकि वो हिंदी जो आपके पढ़े लिखे लोगों की हिंदी है, परिष्ठित हिंदी है, उसका साहित्य, उसका संदेश वहां तक नहीं पहुंच पाता। और जनपदी आंदोलन का तो पहला ही वाक्य ये था कि जब तक जनता की, सामान्य जन की नस नस में बिजली का संचार नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्र कैसे उठ करके खड़ा होगा एक एक व्यक्ति के पास। अब ये बिजली का संचार कैसे हो, ये बिजली की शक्ति कैसे दौड़े उसकी नस नस में, तब यही सोचा गया था कि साहित्य का अमृत संदेश
उस तक पहुंचने के लिए यदि हम बोली को माध्यम बनाएं। राहुल शंकराचार्य ने जब मातृभाषा का प्रश्न लिखा तो उन्होंने उसके लिए लेनिन का उदाहरण दिया था। जब लेनिन ने जनपदी भाषाओं को समस्त ज्ञान विज्ञान के का माध्यम बना दिया था और उसका परिणाम ये हुआ कि भाषा के पढ़ने में जो ऊर्जा बच्चे की चली जाती है वो मातृभाषा में सहज उतर आने से उस ज्ञान विज्ञान की ओर केंद्रित होगी। तो इस प्रकार से खैर उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो बोलियों में बने, मातृभाषाओं में बने। तो लेकिन कम से कम साहित्य की दृष्टि से हम आज देखते हैं, अभी फेसबुक पर ही कितने ही ऐसे मित्र हैं, एक बुंदेली गजल लिखते हैं महेश कटारी सुगम, अब उनकी बुंदेली भाषा में, बुंदेली बोली में, बुंदेली लोक भाषा में जो जो जनता से जुड़े होने की वजह से जो जनता का दर्द उभरता है, ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत से हैं, कोई भोजपुरी में लिख रहा है, कोई मगही में लिख रहा है, कोई मैथिली में लिख रहा है, कोई ब्रज में लिख रहा है। अच्छा, अब हमारे पास अंतर जनपदी मंच कोई नहीं है, अंतर जनपदी मंच के न होने की वजह से हम एक दूसरे के पास उन विचारों का आदान प्रदान कर नहीं पाते, एक दूसरे से उतने परिचित हो नहीं पाते, एक दूसरे के परिवारी बन नहीं पाते। अब इसीलिए राजेंद्र बाबू प्रसाहित मंडल का जब हाथरस अधिवेशन हुआ था तो वहां राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद जी थे और वहां हिंदी जनपदी परिषद की स्थापना हुई थी जिसका कार्यालय काशी में था। और आप सोच सकते हैं कि ये जनपदी आंदोलन का विचार कितना गहरा और कितना व्यापक था कि आचार्य नरेंद्र देव जिन्होंने हिंदी में समाजवाद पर पहला भाष्य लिखा था, वो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष बने थे और इसके वासुशरण अग्रवाल जी जो है वो जनपद नाम की पत्रिका के संपादक बने थे, बालकृष्ण शर्मा नवीन उसके सचिव बने थे और ये जनपद पत्रिका चली थी। और उस समय उन लोगों ने कहा था कि ये जो जनपदी परिषद है, ये जो हिंदी जनपदी परिषद है, ये हिंदी की समस्त बोलियों और समस्त लोक भाषाओं का मायका, मायका शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, क्योंकि जब जब वो बहनें जब मायके में आती हैं तो अपने सुख दुख की बातें करती हैं, उनकी आत्मीयता, उनका जो स्नेह, तो ऐसा स्नेह उन लोक भाषाओं के बीच में पैदा हो, उन जनपदी भाषाओं में पैदा, ये उनकी परिकल्पना थी कि वो सारी जो सगी बहने हैं, ये मगही है, मैथिली है, बुदेली है, ब्रज है, हरियाणवी है, मेवाती है, अहिरवाटी है, हिमाचली है, जहां जहां जो भी भाषाएं हैं उनमें काम हो रहा है, आगे वो संदेश जा रहा है जनता के बीच में, जो संदेश जा रहा है और जो जाना चाहिए वो सब उस एक मंच पर आवे। हमारे सामने इस समय चुनौती है अंतर जनपदी अध्ययनों की। देखिए, जनपदी आंदोलन के बाद विश्वविद्यालयों में लोक साहित्य और जनपदी साहित्य को लेकर के सहस्राब्दी अनुसंधान हो चुके हैं, हालांकि वो एक जगह पर नहीं है और उनकी मीमांसा भी एक जगह पर जैसी होनी चाहिए वो अपरिचय के कारण से नहीं है। बुंदेली के लोग बुंदेली साहित्य के अनुसंधान को जानते हैं, ब्रज के लोग ब्रज की बात को जानते हैं और हरियाणवी के लोग हरियाणवी के अनुसंधान को जानते हैं। नहीं, हम सब लोग एक साथ मिलकर, सारी भाषाओं के लोग मिलकर उन कंटेंट को देखें, उस विषय वस्तु को देखें, उस चेतना को देखें, लोक चेतना, वो जन चेतना जिसकी बात यहाँ आई है जनपद आंदोलन में, कि जनपद आंदोलन का केंद्र तो जन था, वो जन जिसके लिए सारी राष्ट्र की समस्त गतिविधियां उसकी परिक्रमा करने वाली थी और परिक्रमा करने वाली है, वही तो इस जनतंत्र का नियंता है। जनतंत्र का नियंता, जनतंत्र का नियामक, वही तो जनगणमन अधिनायक है। जनगणमन का अधिनायक तो वही जन है और उसी जन के लिए, जन को केंद्र बना करके जो लोक भाषाओं में काम हो रहा है। तो इस प्रकार से जो साहित्य है वो जनता के बीच आवे और जनता में साहित्य आवे, इसके लिए
तीन की जैसी की बात अभी आपने प्रस्तावना में कही थी, पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी, आचार्य वासुभूषण अग्रवाल और महापंडित राहुल सांकृत्यायन का विचार एक लेख के रूप में 1936 से उसके बाद एक एक क्रम से चलता रहा, और उसके बाद 1940 में जब जनपदी अंक निकला है मधुकर का, जनपद अंक निकला है, तब आप ये देखेंगे कि सारा हिंदी जनपद, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने इस जनपद आंदोलन का स्वागत किया था, नहीं, इसके विरोध में और अधिक तीखा स्वर था। उनका ये कहना था कि इन भाषाओं से कहीं हिंदी का बंटवारा तो नहीं हो जाएगा, खास करके हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से इस बात को लेकर के आपत्ति की गई थी कि विभिन्न जनपदों में ऐसी संस्थाओं का उदय हो गया, जैसे ब्रज साहित्य मंडल, बुंदेली साहित्य मंडल, मगही साहित्य मंडल, भिन्न भिन्न जनपदों में भिन्न भिन्न संस्थाओं का उदय हो गया था और भिन्न भिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। तो इससे हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से इसका विरोध हुआ, लेकिन विरोध के जैसे जैसे विरोध बढ़ा वैसे वैसे उसके प्रति समर्थन इस प्रकार का बढ़ा, देवेंद्र सत्यार्थी। अब देवेंद्र सत्यार्थी ने पूरे भारतवर्ष की जनपदी यात्रा की, पूरे भारतवर्ष की जनपदी यात्रा की, कहीं पैदल की, कहीं किसी भी प्रकार से करी, और तो जैसे ऋषिकल्प थे, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें से एक की भूमिका तो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, क्योंकि महात्मा गांधी इस बात के बड़े हिमायती थे और स्वयं उन्होंने 1918 में ये बात कही थी कि हमको लोक गीतों का, लोक कहानियों का, लोक साहित्य का संकलन करना चाहिए। पंजाब में जब एक बार किसी जनसभा में थे तो देवेंद्र सत्यार्थी से उन्होंने आग्रह किया कि वे पंजाबी का गीत गावें, और फिर उन्होंने कहा कि इस गीत ने जनसभा पर जो प्रभाव छोड़ा है वो शायद मेरे व्याख्यान से न छोड़ा न होता, या जवाहरलाल के भाषण से न होता, ये बात महात्मा गांधी ने कही। तो अब ये जो जनपदी आंदोलन का जो मूल विचार है ना, ये तो महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये सब चल रहा था, और उससे पहले भी हम देखते हैं तो शांति निकेतन में गिडीज थे जिन्होंने ग्राम को केंद्र बनाया था। तो इस प्रकार से जो जनपद आंदोलन चला तो वो साहित्य का लोकतंत्र है, वो संस्कृति का लोकतंत्र है, वो कला का लोकतंत्र है, और वो आशा भी ये करता है कि इतिहास लिखे गए हैं, और इतिहास लिखे गए हैं, और इतिहास राजाओं के लिखे गए हैं, सत्ताओं के इतिहास लिखे गए हैं, सत्ताओं के इतिहास लिखे गए हैं, और यह मान लिया गया कि सत्ता ही सब कुछ करने वाली है, लोक का इतिहास गायब है। परिणाम तो समझा यह जाता है कि उस इतिहास की रचना में जनता की कोई भूमिका नहीं है, सामान्य जन की कोई भूमिका नहीं है। अब यह तो बिल्कुल असत्य विचार है। संस्कृति के लिए समझा जाता है कि संस्कृति की रचना तो सामंतों ने की, और सामंतों के साथ जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, उन्होंने रचना की, और ये मान लिया गया, जबकि ये बात बिल्कुल उल्टी है। हम देखते हैं कि संस्कृति की रचना में सामान्य जन कितना बड़ा भागीदार है। हाँ, आपने अध्ययन नहीं किया उसका। यदि आपने उस जन की संस्कृति का अध्ययन किया होता तो आप पदे पदे कह सकते थे कि सचमुच में संस्कृति की रचना में, इतिहास की रचना में लोक की भूमिका, जन की भूमिका कितनी प्रखर है। तो इसलिए जनपद आंदोलन मांग करता है कि साहित्य में लोक की भूमिका को रेखांकित किया जाए, संस्कृति में लोक की भूमिका को रेखांकित किया जाए, कला के इतिहास में लोक की भूमिका को रेखांकित किया जाए, इतिहास में लोक की भूमिका को रेखांकित किया जाए। सच्चाई तो यह है कि जनपद आंदोलन ने प्रतिष्ठा की कि साहित्य की कसौटी कोई राजनीतिक मतवाद नहीं हो सकता। आजादी के आंदोलन के बाद ऐसे प्रयास हो गए, मान लिया गया कि एक राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि वो उसको वैज्ञानिक बार बार कहा जा रहा था कि वह जो है साहित्य की कसौटी है। वास्तव में सत्ता का सहारा पाकर के ये बात आपने भली कह दी है और आपकी इस बात को मानने लगे हैं लोग, वो जो विश्वविद्यालय की परिधि में हैं, वो जो सत्ता की परिधि में हैं, वो जो सांस्थानिक हैं, लेकिन सच्चाई बहुत दूर है।
सच्चाई तो भरत मुनि बहुत पहले कह चुके थे, लोक धर्मता की प्रतिष्ठा कर चुके थे, पतंजलि ने लोक धर्मता की प्रतिष्ठा की थी और कहा था लोक विज्ञानाच सिद्धम लोकता प्रमाणम, उन्होंने लोक को प्रमाण माना, सामान्य जन को प्रमाण माना, समस्त जन को प्रमाण माना, सर्व जन को प्रमाण माना। तो साहित्य की कसौटी, संस्कृति की कसौटी, कला की कसौटी लोक है, सामान्य जन है, इस बात को हम नहीं भूल सकते। तो इस प्रकार से जनपद आंदोलन जन की पक्षधरता का आंदोलन है, जनपद आंदोलन लोक लोकोन्मुखी दृष्टि का आंदोलन है, सामान्य जन, समस्त जन, सर्वजन। और एक दूसरी बात एक और है, वो है जीवन की अविच्छिन्नता और निरंतरता। मैं दो कहानी छोटी छोटी आपके सामने निवेदन करूं, बचपन में सुनी थी कि वो एक आदमी था, एक आदमी को ये बतलाया गया था कि पारस मणि जो है उसका स्पर्श करने से लोहा सोना हो जाता है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत महिमामयी मणि है, इसको मैं जरूर खोजूंगा। और वो आदमी पारस मणि को खोजने के लिए घर से निकला। जैसे ही वो घर से निकला था तो उसके दरवाजे के सामने ही 10-20 कदम के आगे ही एक पत्थर था, उसमें एक चमक भी थी, उसमें कुछ गर्द लगी हुई थी। उस आदमी ने वो पत्थर उठाया, वो गर्द तो थी ही, तो उसने कहा करिए ये तो पारसमणि नहीं हो सकती, पारसमणि कोई दरवाजे के बाहर ही मिल जाती है क्या? पारसमणि के लिए तो बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, पहाड़ों में जाना पड़ता है, जंगलों में जाना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं पारसमणि मिलती है। और वह जंगलों में पहाड़ों में भटकने लगा। बहुत भटकने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद, पारसमणि के लक्षणों को जानने और समझने के बाद उसके मन में ये बात आई कि जो लक्षण मैंने पारसमणि के अब जाने हैं वो सारे के सारे लक्षण उस पत्थर पर घटित हो रहे थे जो पत्थर मैंने दरवाजे के बाहर निकलते ही देख लिया था। तो सच्चाई ये है कि पारसमणि की खोज में, उन विचारों की खोज में कि भारत के लिए विकास की कौन सी अवधारणा सही रहेगी, अर्थव्यवस्था की कौन सी अवधारणा सही रहेगी, साहित्य की कौन सी अवधारणा सही रहेगी, इसके लिए हमारे लोगों ने आजादी के बाद सारे संसार में भ्रमण किया। और यदि नहीं किया तो भारत की जनता के बीच, प्रत्येक जनपद के बीच यदि जनता के साथ उन्होंने घनिष्ठ तादाद में संबंध स्थापित किया होता तो पारसमणि इन्हीं के पास है। भारत के लिए हमें कोई ढांचा न चाहिए, न अमेरिका का, न चीन का, न रूस का, न कहीं का, हमको भारत का ही ढांचा चाहिए। साहित्य में भी, संस्कृति में भी, राजनीति में भी, अर्थनीति में भी, जीवन की सभी परिधियों के लिए हमको वो भारतीय ढांचा चाहिए, वो पारसमणि चाहिए। वो पारसमणि किसी दूसरे के पास नहीं है, वो पारसमणि तो हमारे अपने ही घर में मौजूद है, हमारे जनपदों में मौजूद है। हाँ, उनके साथ तादाद में संबंध तो बनाना होगा। जनपद आंदोलन का यही संदेश है, यही बात जनपद आंदोलन की मूल आत्मा है। तो इस प्रकार से एक दूसरी बात एक यह है कि भारत को, भारत की संस्कृति को हमें जानना है। कैसे जाने? तो कुछ अंग्रेजों के या पश्चिमी विद्वानों के द्वारा लिखे गए भारत संबंधी, भारत की संस्कृति से संबंधी ग्रंथ, कुछ वेद पुराण इत्यादि वो ग्रंथ, उन ग्रंथों के द्वारा हमने ये मान लिया कि इन ग्रंथों के द्वारा हम भारत की संस्कृति को समझ सकते हैं, इन ग्रंथों के द्वारा हम भारत की संस्कृति को समझ सकते हैं। ग्रंथ सीमित है, ग्रंथ उतना बड़ा नहीं है जितना विस्तार जीवन का है। सूरदास ने एक पद कहा था, उधो बंधो ज्ञान पोथी को, पोथी का ज्ञान बंधा हुआ है।
पोथी का ज्ञान बंधा हुआ है, ये तो सूरदास ने कहा था। कबीर ने कहा संस्कृत है कूप जल, उसको कूप जल कहा, ग्रंथ को पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ। क्यों कहा था उन्होंने? वो ज्ञान के विरोधी नहीं थे, वो ज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र देख रहे थे। जनपद आंदोलन ने भी उस विस्तृत क्षेत्र को देखा, उन्होंने वाचिक परंपरा देखी। एक जो शास्त्र परंपरा है वो भी लिखित अक्षर की परंपरा है, वो किताब की परंपरा है, लेकिन इससे बड़ी परंपरा, इससे विस्तृत परंपरा वाचिक परंपरा है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने निवेदन करूं। एक राजा था, तो राजा ने ये कहा कि आज हमारा जन्म दिवस है और आज हम दान करेंगे, भूमि दान करेंगे, और जो विद्वान जितनी बड़ी जमीन को घेर लेगा वो घेरी हुई जमीन हम उसके लिए दे देंगे। तो किसी ने 100 गज जमीन घेरी, किसी ने 200 गज घेरी, जिसकी जितनी ताकत थी, जितना उसके पास साधन था, उस साधन के आधार पर उन विद्वानों ने जमीन को घेर लिया। बहुत से लोग थे, बहुत से विद्वान थे। एक विद्वान था, उसने कोई घेरा नहीं दिया। तो राजा आया जमीन दान करने के लिए। तो राजा ने सभी लोगों के, सभी विद्वानों के घेरे देखे, इसका 100 गज का, इसका 200 गज का, इसका 500 गज का, इसका। आखिर में जब वो विद्वान था, उनको भाई तुमने कहाँ घेरा दिया है? तो बोले महाराज घेरे तो छोटे होते हैं। तो घेरे हमेशा छोटे होते हैं, तो जो जमीन बिना घेरे है वो सब मेरी है, क्योंकि मैंने घेरा दिया ही नहीं है, घेरा छोटा होता है। तो सचमुच बात है, जो घेरे में नहीं है वो घेरे से बाहर है, वो व्यापक है। तो इसी बात को वासुदेव अग्रवाल जी ने इन शब्दों में कहा कि यदि ब्रह्म ज्ञान को हम चतुष्पाद माने, चार पैरों वाला माने, उस सिंहासन की चार पाई माने, तो उन्होंने कहा एक पाद में शास्त्र की प्रतिष्ठा है और बाकी जो तीन पाद हैं वो तीन पाद जीवन के विस्तृत क्षेत्र में हैं, वो विस्तृत क्षेत्र जिसको अभी तक घेरा नहीं जा सका है। तो वाचिक परंपरा वो विशाल परंपरा है जो अभी पुस्तकबद्ध नहीं हो सकी है, और जनपद आंदोलन ने उस दिशा की ओर इंगित किया, बतलाया कि वाचिक परंपरा है। अब वाचिक परंपरा को जाने बिना हम भारत की संस्कृति का चित्र कैसे अंकित कर सकते हैं? तब इसी बात को वासुदेव अग्रवाल जी ने ये कहा कि किताबों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से हमने भारतीय संस्कृति का जो चित्र देखा है वो समग्र चित्र नहीं है। समग्र चित्र तो हमारे सामने अभी उपस्थित ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जनपदों में जाकर के हमने उन आनुवंशिकताओं की, शतकोट जन की जीवन की निरंतरता, अविच्छिन्नता का अध्ययन किया ही कहां है, और वो अध्ययन जितना हुआ भी है वो एकत्र नहीं है, एक स्थान पर नहीं है, वो समन्वित नहीं है। तो भारतीय संस्कृति का समग्र चित्र हमें देखने के लिए जनपद आंदोलन की आवश्यकता है, जो आदिवासियों के बीच जाकर के वहां की संस्कृति का आकलन करे, वहां की आचार प्रणाली, वहां की विचार प्रणाली, वहां का सौंदर्य बोध, वहां की अभिव्यक्ति प्रणाली, इन सबको देखे, इनका विश्वबोध क्या है, इनकी जीवन शैली क्या है। बिना विचार प्रणाली, आचार प्रणाली, विश्वास प्रणाली, अभिव्यक्ति प्रणाली और सौंदर्य बोध को जाने बिना हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो किताब है, इस किताब में भारतीय संस्कृति का समग्र चित्र है? कौन सी किताब है वो? किस किताब को आप कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई एक किताब नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से हमने अभी वो जो 3000 बोलियां हैं, 3000 बोलियों के की परंपरा को अभी हमने कितना जाना है, कितना पढ़ा है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का समग्र चित्र
देखने के लिए, समझने के लिए जनपद आंदोलन की आवश्यकता होगी। प्रत्येक जनपद में जाकर के प्रत्येक जन से। अब यहां एक शब्द आया जनपद जन, जनपद जन की बात माधुशरण अग्रवाल जी ने कही, जनपद जन की प्रतिष्ठा। अब देखिए कि वो जो जनपद जन है, वो जो सामान्य जन है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने जीवन जिया है ना, वो जीवन को जी रहा है ना। और हमारे अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? जीवन। हम ज्ञान या विज्ञान के किसी भी अनुशासन में क्या पढ़ते हैं? हम मनुष्य जीवन का ही तो अध्ययन करते हैं, मनुष्य जीवन ही उसके केंद्र में। सबसे जटिल कोई विषय है, वो विषय मनुष्य ही है, तो हम मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। साहित्य के माध्यम से हम मनुष्य को जानना चाहते हैं, इतिहास के माध्यम से हम मनुष्य को जानना चाहते हैं, दर्शन के माध्यम से हम मनुष्य को जानना चाहते हैं। यहां हम सीधे सीधे मनुष्य को जानने के लिए निकले हैं, जनपद आंदोलन है। हम सीधे सीधे जानना चाहते हैं मनुष्य के लिए, प्रत्यक्ष रूप से। मैंने कहा था ना, परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, जनपद आंदोलन की दृष्टि परोक्ष से प्रत्यक्ष की ओर है। हम प्रत्यक्ष अध्ययन कर रहे हैं उस जन का, वो जनपद जन पढ़ा नहीं है तो न सही, लेकिन कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनमें हम उसको अपना गुरु बना सकते हैं, उसके पास जीवन का अनुभव है। आचार्य माधुशरण अग्रवाल ने अछला के एक कुंभकार से कुम्हार संबंधी जो शब्दावली थी वो एकत्र की थी और बताया था। सत्येंद्र जी ने भी इस प्रकार के कई प्रयोग अपने अपने थीसिस में, अपने शोध ग्रंथ में लिखे हैं, उनका विस्तार मैं यहां नहीं करूंगा। तो वो जो जनपद जन है, वो जनपद जन ज्ञान का एक अध्याय है, एक अवतरण है, एक अक्षर है, जीवन तो है ना। तो इसलिए वो जनपद जन हमारे अध्ययन का एक अध्याय, एक केंद्र है। ये भी जनपद आंदोलन की एक खास बात है। वो उस जनपद जन को पढ़ा लिखा या गैर पढ़ा लिखा इस प्रकार का भेद वो नहीं करता, वो मनुष्य की प्रतिष्ठा करता है, मनुष्य की प्रतिष्ठा करता है, जीवन की प्रतिष्ठा करता है। इसलिए ऐसी कितनी ही बातें हैं जो अपने अनुभव से वो हमको बतला सकता है। अच्छा, अब एक दूसरी बात कि जब जनपदीय अंक, जब मधुकर का जनपद अंक निकला था और जनपद आंदोलन जब चल रहा था, तो लोगों ने कहा था कि इससे लोगों में भेदभाव बढ़ेगा कि मैं ब्रज का हूं, ब्रज श्रेष्ठ है, और ये बुंदेली है ये कुछ छोटी है, या ये जो हरियाणा है ये कुछ छोटा है। अपने प्रति गौरव का भाव, वैसे गौरव की प्रवृत्ति मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति है, मनुष्य मात्र में ये गौरव का भाव होता है, वो अपने को श्रेष्ठ मानता ही। लेकिन धर्म विनय भाव की प्रतिष्ठा करता है, तो कोई जनपद छोटा या कोई जनपद बड़ा नहीं है, जनपद घाट है और जीवन की जो निरंतरता है वो गंगा है। हम गंगा के पास आने के लिए घाट पर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि घाट पर ही सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उतर करके ही गंगा जल का आचमन करेंगे, गंगा जल का अरस परस करेंगे, गंगा जल का स्नान करेंगे, तो घाट तो हमें जाना होगा। लेकिन घाट गंगा नहीं है, घाट ये भी है, ब्रज भी घाट है, बुंदेली भी घाट है, मेवाती भी घाट है, हीरवाटी भी घाट है, कांगड़ा भी घाट है, दूसरे दूसरे सब घाट हैं, जितने जनपद हैं वो सारे के सारे घाट हैं। लेकिन वो तो जीवन की जो निरंतरता है, राष्ट्रीय जीवन की जो अविच्छिन्नता है, वो गंगा है। हम वहां जाना चाहते हैं, हमारा जो इष्ट है, हमारा जो अभीष्ट है। इसलिए यहाँ संकीर्णता, क्षेत्रीय संकीर्णता का भाव नहीं है, इसमें क्षेत्रीय संकीर्णता का भाव नहीं है। हिंदी साहित्य में जनपदी चेतना की बात यदि हम करें तो हमारे सामने ऐसे कई नाम आते हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु आते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु की जो 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 रचनाएं हैं उनमें हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से जनजीवन से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है उनका। रांगी रागों का कब तक पुकारूं है, इस प्रकार से
आप कुबेरनाथ राय को देखिएगा, आप विद्यानिवास मिश्र जी को देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखिएगा, जनपदी जीवन की, लोक जीवन की वो सौंधी जो सुगंध है, नागार्जुन को देखिएगा। तो अब ये जनपदी जो भाव है, ये जनपदी भाव किस प्रकार से साहित्य में, हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त हुआ है, इसका भी एक अलग से अध्याय है, इसका भी एक चैप्टर है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है, जनपद आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है। तो इन सारी चीजों को आज हमें इकट्ठा करना है। जनपद जन की जब बात आई थी तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसमें लिखा, उन्होंने लिखा, घृतमेव पयस निगूढ़ भूते भूते च वसत विज्ञानम सततम मंथयितव्यं मनसा मंथान दंडेन। तो वह जो जन है, वो जानपद जन है, उस जानपद जन, वो ज्ञान उसमें वैसे ही है जैसे दही में मक्खन होता है। घृत में वो पयस निगूढ़, दूध में, दही में वो जो घृत है, घृत के जो कण है वो निगूढ़ है, छिपे हुए हैं। इसी प्रकार से भूते भूते जब वसत विज्ञानम, जन जन में, प्रत्येक जीवन में वो जो अनुभव का जो विज्ञान है वो बसा हुआ है। द्विवेदी जी कहते हैं, मनसा मंथान दंडेन, मन की मथानी से सततम मंथयितव्यम, वो जनपदी आंदोलन का संदेश इस प्रकार से हमको दे रहे हैं। आचार्य वासु शरण अग्रवाल ने साहित्य संबंधी कार्य के दो भेद कर दिए, दो वर्ग बना करके हमको बताए। उन्होंने कहा, एक कुटी प्रावेशिक सिद्धांत है, कुटी प्रावेशिक सिद्धांत अर्थात घर के कमरे में बैठे बैठे आपने थीसिस लिख दी, चार किताबें ली, पांचवी किताब बना दी, ये कुटी प्रावेशिक है आपका। आप कमरे में बैठे हैं, एयर कंडीशन चल रहा है और आपकी किताब बन रही है। जनपद आंदोलन का काम इसके विरुद्ध है, इसके आगे चल करके उनको, उसको उन्होंने कहा वातातपिक, कि हवा भी ठंडी, हवा भी सहनी पड़ेगी, गर्म हवा भी सहनी पड़ेगी, लू थपेड़ भी सहनी पड़ेंगे, आतप धूप भी सहनी पड़ेगी, वर्षा भी सहनी पड़ेगी। तो जनपद आंदोलन का काम, जनपद आंदोलन का काम कई दृष्टि से कठिन है, इसलिए जनपद आंदोलन के वो कार्यकर्ता वंदनीय जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। और दूसरे भी कारण है, और दूसरे भी कारण आप ये देखिएगा, पिछले 70 साल का आप इतिहास आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में, तो राजनीति के जो राजनीतिक मत के आधार पर साहित्य की समीक्षा की गई। साहित्य की समीक्षा क्या, वो साहित्य की राजनीतिक व्याख्या थी, राजनीतिक व्याख्या की गई थी। अब वो दक्षिण पंथ हो चाहे वाम पंथ हो, सच्चाई यह है कि वो सत्ता से जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में सत्ता है। जन के केंद्र में क्या था, जन के केंद्र में आप देखिएगा तो जनता को केंद्र में करके आपने कोई शिक्षा में कोई ऐसा कोई मानदंड बनाया हो आपने, ऐसा दिखाई नहीं देता। क्यों कि जनता, जनता का पक्ष कौन लेगा। लोकवार्ता की बात चल रही थी तो उन्होंने उनसे पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के साथ बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा लोकवार्ता के काम से किसकी खिचड़ी में किसकी दाल में बघार लगेगा। सच्चाई यही है कि जनपद आंदोलन का काम, लोकवार्ता का काम सत्ता की परिक्रमा का काम नहीं है। सत्ता की परिक्रमा का काम होता तो जनपदीय आंदोलन को इनाम मिलता, लेकिन नहीं, वो सत्ता का काम नहीं है, वो तो जनता के बीच घूमने का काम है, जनता के बीच धूप सहने का काम है, आंधी सहने का काम है, धूल फांकने का काम है, ये जनपद आंदोलन का काम है, वातातपिक है। तो इस कारण से भी जो जनपद आंदोलन का काम है वो कठिन हो जाता है। तो इसलिए जनपद आंदोलन का जो प्रयोजन, बड़ा प्रयोजन लोकतंत्र है, जनपद आंदोलन का, जनपदीय अध्ययन का बड़ा प्रयोजन स्वयं मनुष्य को जानना है, आदमी के भीतर बैठे हुए एक दूसरे आदमी को, बाहर हम एक दूसरी स्थिति में जीते हैं। हम जनपद अध्ययन के द्वारा ये जान सकते हैं कि संस्कृति
किस प्रकार से गतिशील है, किस प्रकार से दो संस्कृतियां, दो जन मिलते हैं, दो जन मिलते हैं उनकी दो संस्कृतियां भी मिल जाते हैं, दो जन के बीच द्वंद होता है तब दो संस्कृतियों के बीच भी द्वंद हो जाने लगता है, और जब वे मिल जाते हैं तो दो संस्कृतियां भी मिल जाती हैं। अब इस बात के लिए आप कितने ही उदाहरण ले सकते हैं। अब जब शिव का जो परिवार है, शिव का जो पंचायतन है, आप ये देखिएगा कि कितनी संस्कृतियां शिव पंचायतन में समाई हुई हैं। आचार्य क्षति मोहन सेन ने, जैसा कि मैंने कहा था कि शांति निकेतन में भी जनपद आंदोलन से जुड़े हुए कार्य हुए थे, तो उन्होंने शिव पंचायतन को लेकर की व्याख्या की है कि कहां रुद्र है, कहां लिंग है, कहां शिव शक्ति उपासना है, कहां वृषभ की पूजा है, कहां चंद्र की उपासना है, कहां गंगा की उपासना है, कहां कार्तिकेय की उपासना है, कहां गणपति की उपासना है, और सारी की सारी वो अंतर्भुक्त हो जाती है, क्योंकि वो जो उपासक गण थे वे अंतर्भुक्त हुए, वे उपासक एक में समा गए। इसको हम जनपदी आंदोलन के द्वारा, जनपदी अध्ययन के द्वारा जान सकते हैं। ये मैं छोटा सा उदाहरण दिया है और वो भी संक्षेप में दिया है। तो लोकवार्ता के अध्ययन का, जनपद आंदोलन का, जनपदी अध्ययन का जो प्रयोजन है वो मनुष्य है, मनुष्य की प्रतिष्ठा है, लोक का तंत्र है, संस्कृतियों का अध्ययन है। तो वास्तव में जो जब हम जनपद का अध्ययन करेंगे तो वहां हमारी दृष्टि में कोई जाति नहीं रह जाती है, हम जाति के आधार पर अध्ययन कर ही नहीं सकते। हाँ, उस जाति को हम सांस्कृतिक समूह, सांस्कृतिक पहचान के रूप में जान सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जाति के साथ कुछ परंपराएं, कुछ आनुवंशिकताएं जुड़ी हुई हैं, उनकी संस्कृति जुड़ी हुई है और उनकी कहानियों में उनकी पहचान जुड़ी है। एक कहावत है, तांत बाजी राग पायो, जैसे ही तांत बजती है उस वाद्य की, वैसे ही समझ में आ जाती है कि ये राग अमुक आनुवंशिकता का है, इस राग को अमुक आनुवंशिकताएं गाती हैं, ये अमुक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से जनपदीय आंदोलन का काम सांस्थानिक शासन के बाहर है, किताबों के बाहर है, परोक्ष से प्रत्यक्ष की दिशा में हमको चलना है। मैं कुछ नाम यहां वंदना करने के लिए आपके सामने रख रहा हूं। शरतचंद्र राय, राहुल सांकृत्यायन, कृष्णानंद गुप्त, धीरेन्द्रनाथ मजूमदार, कृष्णदेव उपाध्याय, देवेंद्र सत्यार्थी, रामनेश त्रिपाठी, कृष्णचंद्र शर्मा, श्री कृष्णदास, दुर्गा भागवत, डॉक्टर सत्येंद्र, कुंज बिहारी दास, शंकर सेन गुप्त, दिनेश चंद्र सेन, झवीर चंद्र मेघाणी, पुष्कर चंद्र वाकर, सीताकांत महापात्र, कोमल कोठारी, विजय दान देथा, देवीलाल सामर, महेंद्र भानावत, कन्हैयालाल सहल, गोविंद अग्रवाल, राम इकबाल सिंह राकेश, गणेश चौबे, नरेश पांडे चकोर, श्री रंजन सूर्यदेव, राम नारायण उपाध्याय, श्याम परमार, चिंतामणि उपाध्याय, नर्मदा प्रसाद गुप्त, मालती शर्मा, वेद प्रकाश बटुक, गोविंद रजनीश, इंद्र देव, हरद्वाई लाल शर्मा, अंबा प्रसाद सुमन, चंद्रमा रावत, इंदु प्रकाश पांडे, वासुदेव गोस्वामी। अब कुछ भाषाओं का जो कि जनगणना में उभर करके आई थी, अंगिका, अवधी, कनौजी, कुमाऊनी, कौरवी, छत्तीसगढ़ी, गढ़वाली, डोगरी, थारू, निमाड़ी, बघेली, बज्जिका, बांगरू, बागड़ी, बुंदेली, बैसवाड़ी, ब्रज, भोजपुरी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, मुंडारी, मेवाड़ी, मेवाती, मैथिली, राजस्थानी, ये संथाली, सरगुजिया, हरियाणवी, हाड़ौती, ये वो लोक भाषाएं हैं जिनका जिनकी चर्चा जनगणना में सामने आई थी और जिनके जिनके साहित्य के अंदर बहुत से लोग हैं, अभी भी उनका मैं नाम अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, विस्तार हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इन सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करके और आप सब लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करूं आपके लिए। और ये जो जनपद आंदोलन का जो काम है ये हमारे सामने अभी एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि अभी भी हिंदी का जो लोक संस्कृति विश्वकोश है वो भी अभी नहीं बन पाया है, अंतर जनपदीय परिषद अभी नहीं बन पाई है, अंतर जनपदीय अध्ययन कुछ हुए हैं लेकिन जितने होने चाहिए उतने अंतर जनपदीय अध्ययन अभी नहीं हो सके हैं। इन सभी की ओर हमको आगे बढ़ना है। इसी बात के साथ मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद करता हूं। ब्रज संस्कृति शोध संस्थान की ओर से मैं प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी को इतने सुंदर और सार गर्भित व्याख्यान के लिए बारंबार आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय चतुर्वेदी जी ने जिस अंतर जनपदीय परिषद की बात की है, निश्चय ही हम सभी जनपदों के अध्येता, सभी जनपदों के विद्यार्थी प्रयास करेंगे कि वह जो अंतर जनपदीयता का जो विचार जनपद आंदोलन ने दिया कि ब्रज, अंगिका, बज्जिका, भोजपुरी, मगही, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, अहिरवाटी, ये सभी जनपद मिल करके संवादरत हो सके। मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बड़े भाई श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, सचिव ब्रज संस्कृति शोध संस्थान से, कि वे इस सुंदर व्याख्यान के लिए संस्थान की ओर से औपचारिक रूप से आदरणीय चतुर्वेदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभवतः वे मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। अब मैं औपचारिक रूप से इसको समाप्त करने से पूर्व अक्षर वार्ता सर, शायद नेटवर्क थोड़ा सा वहां पर लो है। अमन भैया जी, जी हाँ, सर का शायद नेटवर्क थोड़ा सा लो है। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ अमन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। जी बोलिए सर। तिवारी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है क्या? आप संभवतः सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ सर, और आपकी आवाज कट रही है। आज के इस अद्भुत व्याख्यान के लिए परम श्रद्धेय, हाँ, परम श्रद्धेय डॉक्टर हम संभवतः सर को सुन नहीं पा रहे हैं तिवारी जी को। मैं अक्षर वार्ता की ओर से यदि प्रतिनिधि यदि हमारे साथ जुड़ गए हों तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि औपचारिक रूप से आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का धन्यवाद करें। क्या डॉक्टर मोहन बैरागी जी या डॉक्टर शैलेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? मैं प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। हेलो जी, जी बोलिए सर। जी सर, हाँ जी, शायद तिवारी जी अभी शायद बोलने की स्थिति में नहीं है, उनका नेटवर्क कुछ दिक्कत दिख रही है। यदि तिवारी जी भी जुड़ सके तो ठीक रहेगा, वे भी ब्रज संस्कृति संस्थान की ओर से आभार ज्ञापित करेंगे। मैं अक्षर वार्ता अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ हम सबके वरेण्य आचार्य, विख्यात लोक वार्ताविद मनीष, और अनेक दशकों से संपूर्ण अभियान को गति देने में तत्पर रहे हम सबके आदरे डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के प्रति, जिन्होंने बहुत ही गहराई से और बहुत ही मार्मिकता के साथ आज का यह व्याख्यान प्रस्तुत किया। मुझे यह गौरव मिला है कि हम जिस विश्वविद्यालय में हैं, विक्रम विश्वविद्यालय, यहाँ मुझे कहते हुए आज गौरव का अनुभव हो रहा है कि लगभग 100 से अधिक शोधार्थी पिछले 2 दशकों के अंदर जनपद से जुड़े हुए अनेकानेक संदर्भों को लेकर, भाषा, संस्कृति और साहित्य को लेकर सन्नद्ध हुए हैं, और हमारे इस विश्वविद्यालय को ये गौरव मिला है कि हमने भारतीय लोक और जनजातीय संस्कृति केंद्र
की संकल्पना स्थापना की हुई है। निश्चित तौर पर जो हमारे पूर्व पुरुष रहे हैं, हम लोग राम नरेश त्रिपाठी जी को याद करते हैं, हम लोग श्याम परमार या चिंतामणि उपाध्याय जी को हम लोग याद करते हैं, बसंतीलाल बम को याद करते हैं, तो एक लंबी श्रृंखला है। कृष्णदेव उपाध्याय जी को हम लोग याद करते हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी को याद करते हैं, और इस परंपरा में हमने प्रयास किया कि यहाँ पर मालवी, भीली, भिलाली, सोंदवाड़ी, बारेली, सहरिया, कोरकू, बैगा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी और इसी प्रकार की राजस्थान से जुड़ी हुई हाड़ोती, उधर ढूंढाड़ी, इन सब के मध्य सेतु बने, इस दिशा में कार्य किया और उसके पीछे निश्चित तौर पर जनपद आंदोलन की प्रेरणा रही है। और उसका प्रतिफल ये हुआ है कि आप न सिर्फ अंतर संबंधों को लेकर के बात हुई है, न सिर्फ तुलना को लेकर के बात हुई है, वरन नवाचारों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे शोधार्थी आगे आए हैं जो लगातार अपने शोध प्रकाशनों के माध्यम से उन जनजातियों लोक समुदायों के बीच स्वयं जाकर के उनसे संबंधित सामग्री को जुटा रहे हैं। मैं इस अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आज हमारे समूह में उस विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए, अक्षर वार्ता परिवार से जुड़े हुए, ब्रज संस्कृति संस्थान की ओर से जुड़े हुए बहुत सारे लोक से और जनजातीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए अध्येता आज के इस व्याख्यान का लाभ ले रहे थे। और हमारा संकट सिर्फ ये आता है कि ये जितने भी लोग अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं, ये किसी भी प्रकार के सम्मान, किसी भी प्रकार के रेखांकन से परे लगभग उपेक्षित सी स्थिति में रहते हैं। इसलिए जब भी कभी इस प्रकार के शोध में, इस प्रकार के अनुसंधान में वे लोग प्रवृत्त होते हैं तो उन्हें प्रायः अनदेखा किया जाता है। और यह हुआ है जनपद आंदोलन और उससे जुड़ा हुआ जो कुछ भी विमर्श अभी चतुर्वेदी जी के माध्यम से सामने आया, हमने लगातार उसकी अवहेलना की। और विशेष तौर पर जब से महानगरीय परिवेश में जिस तरह से शिक्षा की नई पद्धति आगे आ रही है और उसके दुष्परिणाम ये हुआ है कि सबसे ज्यादा उपेक्षित इस दौर में लोक और जनजाति समुदाय है, निश्चित तौर पर आज का यह व्याख्यान एक तरह से उनकी ओर पुनर्दृष्टि के लिए आह्वान करने वाला था। मैं इसके लिए चतुर्वेदी जी के प्रति दोनों की ओर से, दोनों संस्थाओं की ओर से हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। एक और ब्रज संस्कृति संस्थान बहुत गंभीर कार्य कर रहा है इस दिशा में, और दूसरा अक्षरवार्ता अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका की ओर से, और मैं स्वयं विक्रम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, हमारे हिंदी विभाग की ओर से, और हमारे जो भारतीय जनजातीय और लोक संस्कृति केंद्र उसकी ओर से हृदय से अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और ये कामना करता हूं कि चतुर्वेदी जी को मैं चाहता था कि हम लोग यहाँ जो संजा लोकोत्सव करते हैं प्रतिवर्ष, जो एक सप्ताह से लेकर लगभग 10 दिवस तक चलता है, उसमें चतुर्वेदी जी का आगमन हो, लेकिन अस्वस्थता के रहते वे नहीं आ पाए, लेकिन आज मैं उन्हें मान रहा हूं कि वे उज्जैनी की पावन धरा पर उपस्थित हैं। और उनके जो महिमा है, उनका जो योगदान है, वह निस्संदेह किसी भी भारतीय नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी देश की लोक और जनजातीय संस्कृति और सभ्यता के लिए निश्चित तौर पर गौरव देने वाला है। मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, मैं तिवारी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इस संस्थान से जुड़े हुए सभी सुधीजनों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को केवल एक औपचारिक रूप में नहीं लिया, वरन अत्यंत मनोयोग से और गहरी संवेदनशीलता के साथ इस आयोजन को बहुत व्यापक परिधि तक पहुंचाया। और आज अभी सुबह सुबह लगभग 9:30-10 के आसपास मैंने अपने शोधार्थियों, अपने कुछ प्रिय जो प्राध्यापक गण है, सुधी जन है, उन सबको जोड़ा और वह त्वरित गति से इसमें जुड़ गए, क्योंकि हमें यह शंका लग रही थी कि 100 से अधिक लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हमारे बीच कोई किसी प्रकार की कोई बाधा हो, कोई समस्या हो, लेकिन वे सारे लोग जुड़ गए। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ और यह सिलसिला निरंतर बना रहेगा। चतुर्वेदी जी, आपको पुनः मालो माटी से प्रणाम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर शैलेंद्र जी आपका।
यदि आदरणीय तिवारी जी मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार वे ब्रज संस्कृति शोध संस्थान गोदा विहार की ओर से औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय तिवारी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संभवतः वे मुझे नहीं सुन पा रहे हैं, इसलिए अब हम औपचारिक रूप से इस व्याख्यान को यहाँ समाप्त करें। तो एक बार दोबारा बैरागी आ गए हैं, डॉक्टर मोहन बैरागी जी आ गए हैं अभी अचानक मुझे दिख रहे हैं, यदि वो भी संक्षेप में कुछ कहें तो ठीक रहेगा अक्षर वार्ता की। जी जी जी, डॉक्टर मोहन बैरागी जी। जी हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है सर? आ रही है जी। नमस्कार, मैं क्षमा चाहता हूँ, तकनीकी समस्याओं की वजह से मैं थोड़ा सा देर से जुड़ पाया और मैंने सुना आदरणीय चतुर्वेदी सर को। जनपदीय आंदोलन के विषय में निश्चित रूप से सर ने बहुत सारी जानकारियां हमें दी, बहुत सारी बातें बताई कि जनपदीय आंदोलन और इससे संबंधित शोध कहाँ कैसे हुए, किन किन स्थानों पे हुए हैं और वो सभी एक जगह पे एकत्रित नहीं है। निश्चित तौर पे अगर यदि ये साहित्य एक जगह पे होता है और इसका लाभ नए शोधार्थियों को या और विश्वविद्यालयों में और ज्यादा रूप में ये फैलता है, थोड़ा विस्तार इसका होता है तो निश्चित रूप से इसका लाभ लोक को होगा। जैसे आदरणीय चतुर्वेदी सर ने कहा कि जितना भी इतिहास लिखा गया वो सभी राजाओं का लिखा गया, लोक का इतिहास नहीं लिखा गया। मैं मानता हूँ कि लोक का इतिहास लोक के लिए बेहद आवश्यक है और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान का यह आयोजन, अक्षर वार्ता की सहभागिता और आदरणीय चतुर्वेदी जी का ये व्याख्यान निश्चित रूप से हम सभी के लिए बेहद लाभप्रद है, लाभप्रद रहेगा। मैं बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान आदरणीय तिवारी जी का, आदरणीय वशिष्ठ जी का, हमारी तकनीकी सहयोगी सुरभि जी का और इसमें सहभागिता कर रहे सभी शोधार्थियों का, प्राध्यापकों का। और इस आयोजन की रिकॉर्डिंग करने के बाद में इसका लिंक जो है YouTube पे प्रसारित किया जाएगा तो इसके बाद भी और लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, अक्षरवार्ता परिवार और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान, आप सभी के मंगल मैं भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। सुरभि बहन, क्या तिवारी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं? जी भैया, उनकी वो जुड़े हुए हैं। मेरी आवाज आपको सुनाई पड़ रही है? जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। यहाँ आज का जो अद्भुत व्याख्यान हुआ आदरणीय श्रद्धेय राजेंद्र रंजन चतुर्वेदी जी का, तो वो तो अद्भुत व्याख्यान आज का रहा, जैसा हम लोग चाहते थे और जैसा हमारी अभिलाषा थी और उससे कहीं ज्यादा उसमें हमें सामग्री मिली है। और हमारा ये था कि इसका एक अभिलेखीकरण हो जाएगा इस माध्यम से, तो वो हम उसमें सफल हुए। और यहाँ आज के व्याख्यान में जो लोग भी उपस्थित हुए हैं, श्रद्धेय डॉक्टर शैलेंद्र जी उज्जैन से, मैं उनके विशेष आभार व्यक्त करता हूँ उनके प्रति, एवं बैरागी जी के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सहयोगी आयोजन में रहे अक्षर वार्ता परिवार के सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमसे इस समय जो लोग भी जुड़े हुए हैं उन सबके प्रति जिन्होंने अपना समय निकाल कर हमारे इस व्याख्यान में उपस्थित हुए, उन सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग धन्य हैं आज
डॉक्टर राजेंद्र रंजन जी चतुर्वेदी जी के इस व्याख्यान को सुनकर। धन्यवाद। अमन जी, आभार आदरणीय तिवारी जी का, और अंत में मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और इस जनपद आंदोलन के सूत्रधार रहे तीन महान आचार्यों, प्रोफेसर वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी और राहुल सांकृत्यायन जी का पुण्य स्मरण करते हुए इस संकल्प के साथ कि ब्रज संस्कृति शोध संस्थान उस जनपद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। राधे राधे।